कहाँ कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? नहीं नहीं नहीं, जाना तो पड़ेगा। मुझे ना सर्दी लग गया था, सर्दी की वजह से सर्दी जुकाम ये सब हो गया था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बाइकर ध्रुव। सो बहुत दिनों का मतलब 7 दिन के बाद वीडियो आ रहा है आप लोगों के पास। एंड 7 दिन में बहुत कुछ हो गया, बहुत तबीयत खराब हुआ है। एंड घर पे भी सिचुएशन बहुत ख़राब था, लेकिन अभी ठीक है। एंड 7 दिन के बाद वीडियो छोड़ रहा है, तो क्यों ना एक रोड ट्रिप का ही वीडियो छोड़े। इसीलिए हम निकल गए हैं पहाड़ के लिए। फिलहाल एक ऐसे जगह पे आके रुके हैं, ये जगह बहुत जाना पहचान आप लोगों को लगेगा, क्योंकि ये बीरपाड़ा के एकदम सामने ही है। बीरपाड़ा में जो टी गार्डन आता है वही। एंड अभी हम जा रहे हैं रायनो एंड माई वाईफाई। हेलो, चलो चलते एकदम से मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में आप लोगों से बात। सो 2 महीने के बाद मोटो ब्लॉगिंग क्या बताओ यार, अगर सिचुएशन तो पहले भाई फैमिली है, उसके बाद ही सब कुछ है। तो फैमिली में बहुत ख़राब सिचुएशन चल रहा था। ख़राब बोले तो दादी माँ का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, 2 बार नर्सिंग होम लेकर जाना पड़ा। अभी ठीक ठाक है, एकदम से ठीक नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत ठीक है पहले से। और उसके बाद मेरा तबीयत ख़राब हुआ, मुझे ना सर्दी लग गया था, सर्दी की वजह से सर्दी जुकाम ये सब हो गया था। और मेरा ना मतलब सर पे इतना दर्द था कि मैं वीडियो बनाऊँ मुझे एनर्जी नहीं मिल रहा था भाई, तो जिसकी वजह से वीडियो भी नहीं डाला। तो फाइनली मैं सोचा कि इतने दिनों के बाद वीडियो डालूंगा यूट्यूब में, तो एक रोड ट्रिप का ही वीडियो डालते हैं। तो इसीलिए निकल गया, क्योंकि बहुत दिनों से जा भी नहीं पा रहा था किधर भी। तो बेलतार इसीलिए चुना, क्योंकि बेलतार पहले मतलब फर्स्ट टाइम जब मैं गया था मेरे प्री वेडिंग के पर्पस, तब ना उतना अच्छी तरीके से मैं बेलतार को नहीं दिखा पाया था आप लोगों के सामने। तो इस बार बेलतार को बहुत अच्छी तरह से दिखाएंगे, एंड बेलतार में कितना कॉस्टिंग है, खाना रहना सब में कितना जाता है, तो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊँगा। फिलहाल जितना धूप है ना आज, खतरनाक मतलब ख़त्म सीन है आज, बहुत धूप है बहुत। बाइक इतना गर्म हो रहा है और बाइक चलाने में मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है भाई, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। जितना दिन तक ये एयर फिल्टर ठीक नहीं होगा, मतलब क्लीन नहीं होगा, अच्छी तरह से सर्विस नहीं होगा ना, तो उतना दिन तक ऐसे ही प्रॉब्लम होगा। मैं आते ही मेरा सर्विस बुक करूँगा 10 आवर का, सेकेंड सर्विस, तो सेकेंड सर्विस करवाना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि और कुछ दिनों के बाद बड़ा राइड है, उससे पहले बाइक को ना एकदम प्रॉपर एकदम ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो भाई प्रॉब्लम होगा भाई। हेलो जी, पहुंच गए हम बागपुल, कॉरोनेशन ब्रिज। अब मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा है कि चाय तो चाय किधर से करशियंग, हम तो आ गए हैं इस साइड से अगर चाहते हैं कालीचौरा होके, तो अगर शीटोंग वाला रूट पकड़ना पड़े तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, और अगर इस साइड से जाए तो थोड़ा घुमावदार होगा रास्ता। समझ में नहीं आ रहा है भाई, करे तो करे क्या, एक बार पुलिस को पूछते हैं सर। अच्छा करशियंग जाना है तो किस साइड से जाए, इस साइड से या फिर इस साइड से जाए? अच्छा रास्ता इस साइड से ना, ओ इधर से वो कालीझोरा क्रॉस करने के बाद एक रास्ता ऊपर जाता है, उस साइड से जाना पड़ेगा ना, रास्ता स्टीव है थोड़ा। अच्छा नहीं है, ठीक है सर, थैंक यू। पता था मुझे, पता था। ये वाला रोड
बहुत ख़तरनाक है स्पेशली सुपर बाइक के लिए, क्योंकि इतना पुलिस रहता है ना भाई, मेरे को बस यही डर है कि भाई पुलिस ना पकड़ ले भाई। हो, आज मुझे और एक सक्सेस मिला भाई। पुलिस, इतना सारा चेक पोस्ट था ना भाई इस रोड पे, क्या ही बताओ, 5 या 6 चेक पोस्ट था, सभी चेक पोस्ट में से मैं बच के आ गया भाई। नॉर्मली क्या ऐसे ही भीड़ रहता है? कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? वो जो जेसीबी खड़ा है उधर। अच्छा, किसका एक्सीडेंट हुआ? बस अच्छा। हजार क्यों? तो ये तो पहले मतलब जान के आना चाहिए था ना। अरे इतना धूप है तो ये तो, अरे इतना धूप है, ये तो सुबह से ही देख रहे हो धूप है। नहीं, मैं तुमको वेदर फोरकास्ट दिखाया था, ऐसे नहीं होगा भाई, इतना दूर बाइक चला के आए। ना, इतना दूर बाइक चला के आए भाई, ना जाना तो पड़ेगा ही भाई। ऐसे नहीं होगा, धूप तो रहेगा ही। नहीं, जाना तो पड़ेगा। धूप तो पड़ रहा है, मोटर लॉगिंग खुल जाओ। ना भाई, ना भाई, ऐसे नहीं होगा। पहाड़ पे होना चाहिए ठंड, लेकिन यहाँ पर है धूप। एक बार चेक करो गाइस, कार्शियंग सिटी क्या लग रहा है भाई, ऑसम। यहाँ से हमारा रिजॉर्ट का जो डिस्टेंस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 11 किलोमीटर है। एक जगह आएगा, वहाँ से कट लेना पड़ेगा, हम लोगों को नीचे उतरना पड़ेगा। तो अभी श्री के हाथ पे मैंने मैप थमा दिया है, तो मैप देखते देखते हम चले जाएंगे बेलतार। यहाँ से ना रोड बहुत नैरो है, क्योंकि साइड में टॉय ट्रेन का पटरी है, पटरी। ओए, कर्शियंग एक ऐसा जगह है ना, अगर दार्जिलिंग में भी बहुत गर्म रहता है, तो कर्शियंग ये जो जगह है, पर्टिकुलर ये जो जगह है ना, यहाँ पे फॉग रहेगा, ये ठंड रहेगा, लेकिन आज देखो भाई बिल्कुल भी फॉग नहीं है, एंड ठंडी तो है ही नहीं भाई। अच्छा, ओ भाई साहब, बाबरी, ओ रे बाबरी, ओरे बाप रे बाप। बाप रे, हाँ भाई रास्ता ठीक हो गया है भाई, क्योंकि लास्ट टाइम जब आया था ना, तो रास्ता पूरा टूटा फूटा था, कुछ नहीं था इधर, सिर्फ पत्थर था और कुछ नहीं था। अभी रास्ता एकदम झंडाटेदार हो चुका है।
गाइस आ चुके हैं बेलता रिजॉर्ट, सेकेंड टाइम इन माई लाइफ। एंड पहली बार जब गया था तब ये हिडन प्लेस था, मैं और एक यूट्यूबर ने सिर्फ बनाया था वीडियो और कोई नहीं बनाया था। और दिस टाइम फर्स्ट सुपर बाइक जो बेलता रिजॉर्ट आया भाई। अच्छा बाइक कहाँ पर, नहीं बाहर तो नहीं रख सकते भाई, इसको बाहर नहीं रख सकते हम। ठीक है, जान पहचान कुछ अलग टाइप का ही है भाई, बाइक तो इधर बाहर नहीं रख पाएंगे मेरा, इसलिए मैं बोला बस ये भैया आप घर के सामने लेकर जाओ, कोई इशू नहीं है, मेरा राइनो रहेगा मेरे घर के सामने। दे दिया है इन लोगों ने। एंड लंच में है दाल, चिकन, आलू भाजी एंड सब्जी। और श्री का हालत बेहाल, क्या क्या हुआ है बताओ, शेयर करो क्या क्या हुआ है। पहले से तो मेरा कफ एंड कोल्ड था ही, वो मेरा आवाज से ही आपको पता चल रहा है। ऊपर से ये जो जेड एक्सटेंडर का सीट है ये तो मुझे मतलब मार दिया आज, मेरा पैर में बैक में इतना ऐसा ऐसा करके फूल चुका है, एक्सट्रीम मतलब जल रहा है अभी, मतलब वो कट हो चुका है, मतलब अलग ही है पिलियन का लाइफ तो मतलब लग रहा है अभी। लंच कंप्लीट हो चुका है, लंच भी किया हम लोगों ने 5 बजे ना, 5 बजे लंच किया। ऐसे ही होता है मतलब जब हम लोग राइडिंग पे निकलते हैं तब कोई ठीक ठिकाना नहीं रहता है। तो खाना इस बार खाने का जो मतलब रिव्यू है वो थोड़ा सा ख़राब है, आई डोंट नो खराब हुआ, आई थिंक कुक चेंज हुआ है, आई थिंक क्या डाले वो समझ में नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। हाँ हाँ, और चिकन तो इतना ड्राई है उसका ग्रेवी ही नहीं निकल रहा है, मतलब राइस के साथ खाने के लिए बहुत ही मतलब ऐसा ठीक तो नहीं। खाना ओवरऑल थोड़ा डल है इस बार, बाकी तो व्यू तो भाई बढ़िया है चारों तरफ, आपको बाहर मिलेगा इसीलिए बेलतर फेमस है। और सबसे बड़ी बात ये बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड है, एंड यहाँ पर देख रहे हो कितना बड़ा स्विमिंग पूल है, सो यही इसका ब्यूटी है इस रिजॉर्ट का। एंड बस अभी क्या करेंगे हम, अभी ना हम थोड़ा रेस्ट लेंगे क्योंकि आने के बाद हम दोनों ने ही मतलब बैठा नहीं, थोड़ा खाना वाना खाया एंड उसके बाद रील्स बनाया, फोटो लिया, सब कुछ किया, तो अभी थोड़ा रेस्ट लेंगे एंड देन उसके बाद देखते हैं आपको क्या करते हैं। सो गाइस डिनर हो चुका है कंप्लीट, और कभी आप लोगों ने विक्रम बेताल देखा है तो देख लो, ये है विक्रम, मतलब मैं हूँ विक्रम एंड समझ लो। हेलो, अपना थोड़ा नाइट वॉक होगा, वो स्विमिंग पूल वाला जो एरिया है उधर थोड़ा नाइट वॉक करके फिर मैं आऊँगा घर पे एंड एडिटिंग करूँगा। देन मतलब घर बोलो तो ये तो आज के दिन के लिए हम लोगों का घर ही है, अदर रूम। सो आने के बाद फिर एडिट करेंगे एंड देन सोएंगे। सो चलो चलते हैं, नाइट वॉक करते हैं। आज के लिए वीडियो को यही बड़ी एंड करते हैं, थोड़ा बहुत स्विमिंग पूल के साइड से थोड़ा बहुत पैदल घूमा दोनों ही एंड हजम हो गया बहुत अच्छी तरीके से। एंड अभी ना एडिट करना है, फिर सोना है, फिर कल सुबह एक नया डेस्टिनेशन, नया राइड, नया व्यू, सब कुछ नया नया। सो सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा ये 3 दिन के सीरीज़ में एंड ऑसम लग रहा है। सो आज का वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर बोलना कमेंट बॉक्स में एंड मिलते हैं दूसरे वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर, राइड हार्ड, राइड्स। I'm gonna